पॉलिसी से दिक्कत तो होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी ज़्यादा उठती है और बाकी सारी बहुत सारी परेशानी होती है, खासतौर से ज़्यादा उम्र। सरकार द्वारा जो इतने उपाय किए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, एफर्ट अच्छा कर रहे हैं। पराली सुनना क्या होता था, पराली तो नहीं जलेगा कहाँ फेंकेगा, वो तो होएगा उसका तो हल है, तो उसका हल कौन निकालेगा, हम थोड़ी निकालेंगे, तो सरकार ही निकालेगा ना। सरकार निकालेगा और क्या, कौन निकालेगा। दिवाली के बाद हर साल दिल्ली प्रदूषण से ग्रस्त रहती है। यहाँ जो प्रदूषण का जो सूचकांक है जिससे कि वायु गुणवत्ता को आंका जाता है, जो कि AQI जिसे कहते हैं, AQI हर साल 400 के पार देखा जाता है। आज यानी कि 5 नवंबर को जो गुणवत्ता नापी गई है वायु की दिल्ली के अंदर, उसमें 400 के पार का आंकड़ा देखा गया है। CPCB इसके अनुसार अगर देखें तो आज आनंद विहार इलाका जो कि 400 के पार है, 400 यानी कि वो बेहद ही ख़राब श्रेणी में आता है। उसके अलावा अगर बात करें तो अक्षरधाम इलाके में भी आज सुबह धुंध की एक परत दिखाई दी, जिससे पता लगता है कि यहाँ दिल्ली के अंदर प्रदूषण के क्या हालात हैं। लोग यहाँ प्रदूषण की वजह से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, उनको कई तरीकों की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदूषण के पीछे अनेकों कारण हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है पराली। उसके बाद अगर इस प्रदूषण में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो गाड़ियों का है, जो प्राइवेट व्हीकल्स घूम रही है। और आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 13% के आसपास गाड़ियों की तरफ से जो प्रदूषण निकलता है, वो लगभग 13% है, जो कि वायु गुणवत्ता को खराब श्रेणी में ले जाने में एक अहम योगदान निभा रहा है। इसके अलावा आप सभी इस बात से अवगत हैं कि पराली एक सबसे अहम मुद्दा है, और भी अनेकों कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये दिल्ली घुट रही है। यहाँ के लोग सांस लेने में भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें जहरीली हवा आपके अंदर जा रही है। ये अक्सर देखा गया है कि जब भी दिवाली आई है, दिवाली के बाद ये देखा गया है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का जो स्तर है वो हमेशा ही बढ़ जाता है, और यहाँ के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अनेकों तरीके का यहाँ पे उपाय भी सरकार के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले वाटर फॉगिंग की जो गाड़ियाँ हैं वो भी लॉन्च की गई थी दिल्ली सरकार के तरफ से, ताकि इस प्रदूषण पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके जो वायु गुणवत्ता है देश की राजधानी के अंदर, वो अपने खराब श्रेणी में है, और 400 के पार का आंकड़ा ही हर रोज़ निकल कर आ रहा है। इससे ये साफ होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जहरीली हवा लेने को मजबूर हैं, ना चाहते हुए भी वो जहरीली हवा ले रहे हैं और कई तरीके की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज दिल्ली के लोगों से ही बातचीत करते हैं कि उनको किन तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहना क्या, ये तो हर साल का हो रहा है, हर साल ही होता है ऐसे। पॉल्यूशन से दिक्कत तो होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी ज़्यादा उठती है और बाकी सारी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, खासतौर से ज़्यादा उम्र। सरकार के द्वारा इतनी सारी स्कीमें, इतनी सारी सुविधाएं दे जा रहे हैं, वाटर फॉगिंग मशीनें चल रही हैं। ये फॉगिंग मशीन ये सिर्फ दिखावट है। फॉगिंग मशीन कितने एरिया में पॉल्यूशन को कवर करेगी? इससे फॉगिंग मशीन से कोई पॉल्यूशन कंट्रोल थोड़ी होगा। आँखों में ही दिक्कत होती है परेशानी से, आँखों में सांस लेने में तकलीफ। हाँ, जब आँखों में होगी तो सांस में भी होगी। सरकार द्वारा जो इतने उपाय किए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, एफर्ट अच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये इतनी सारी जो बसें चल रही हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं ये सब भी प्रदूषण में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है, जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण इस स्तर पर बढ़ गया है। बहुत बेकार है प्रदूषण यार, बहुत बेकार है। क्या क्या दिक्कतें क्या आ रही है आपको? सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में। हाँ, और ये जो सरकार इतनी तरीके की जो उपाय कर रही हैं, समाधान है, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है हमें। अच्छा, सबसे ज्यादा ये जो पराली जलती है उससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, उस पर क्या कहेंगे? पराली सुनना क्या होता था, पराली तो नहीं जलेगा तो कहाँ फेंकेगा, पराली वो तो होएगा उसका तो हल है, तो उसका हल कौन निकालेगा, हम थोड़ी निकालेंगे, तो सरकार ही निकालेगा ना। सरकार निकालेगा और क्या, कौन निकालेगा।
अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय हैं, अलग अलग मत है और सरकार के द्वारा भी अलग अलग तरीके के उपाय अपनाए जा रहे हैं इस प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए। बहरहाल आज दिवाली के कई दिन बाद भी जो प्रदूषण का स्तर है वो 400 के पार है। कई इलाकों में आज जो रिकॉर्ड किया गया है, जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं, वो 400 के पार है। ये देखना होगा कि आखिरकार इस प्रदूषण पे कब लगाम लगता है और जो देश की जो राजधानी है, ये जो घुट रही है, इसे बचाने में ये सरकार कब कामयाब होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ आदर्श झा, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।